होप यू ऑल आर गुड। एंड आज मैं आपको इस चैप्टर का, जो कि आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोएम, जो कि है अ ब्यूटीफुल डे रिटन बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ, इस पोएम का मैं आपको एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। वेल, मैं आपको ये रिटन में नहीं देने वाली हूँ अभी के लिए, एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट इन, मतलब आपको अगर मेरा बनाए हुए पूरे प्रॉपर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो जस्ट कॉमेंट बॉक्स में एक बार मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। वेल, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ चीज़, एंड आपको समझ में आ जाएगा अभी जैसे ही मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो वर्ड मीनिंग्स में हम देखते हैं, ऑलरेडी हमने जो वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ पोएम के अंदर देखा था, ऑलरेडी हमने उस चीज़ को यू नो पोएम के अंदर ही हमने बात कर लिया था, या फिर मैंने मीनिंग आपको बता दिया था। वेल, अगर हमारी एक्सरसाइज में है तो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। सी, सो यहाँ पे वर्ड्स है, और दिस साइड यू कैन सी मीनिंग्स है यहाँ पे। और ट्विटर का मीनिंग क्या होता है, ट्विटर, एंड अगेन आई एम सेइंग इट गाइस, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स और द डिफिकल्ट वर्ड, देन यू कैन जस्ट यू नो प्ले द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन लिसन टू द वर्ड वेरी केयरफुली, एंड देन यूड बी एबल टू यू नो प्रोनाउंस इट क्लियरली। सो ट्विटर, ट्विटर मीन्स मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स यूजुअली बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं जो वो चिरपिंग करते हैं। ट्विटर का हम दूसरा अगर सिनोनिम पे जाए तो वो चिरपिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये जो बर्ड्स का, जो यूजुअली बर्ड्स बनाते हैं इन द मॉर्निंग, जो एकदम चींची चींची की कंटिन्यूस वो आवाज़ निकालती रहती है, बहुत ऊँची ऊँची आवाज़ निकालती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्विटर, बर्ड्स का ट्विटर करना, क्लियर। देन देखते हैं ग्लिटर, व्हाट डज ग्लिटर मीन, ग्लिटर का एज यू नो कि ग्लिटर मीन्स स्पार्कल होता है, वो जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिटर, शाइन ब्राइटली विथ लिटिल फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब थोड़ा सा बहुत यू नो ब्राइट तरीके से शाइन करना, जो लाइट के फ्लैश से होती है, लाइट के फ्लैश से मतलब लाइट का जो रोशनी आके किसी चीज़ पे पड़ता है, एंड देन कोई चीज़ जो चमक उठता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिटरिंग और स्पार्कलिंग, क्लियर। ग्रेजिंग देखते हैं, ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, अगर हिंदी मीनिंग बोलूँ तो ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, एंड यू कैन सी हियर कैटल का ईटिंग ग्रास और ग्रेजिंग इन अ फील्ड, मतलब घास खाना, घास खाने को हम डेफिनेटली एक वर्ड में चरना ही कहते हैं, और ग्रेजिंग इन अ फील्ड, किसी फील्ड में चरना, क्लियर। फेयरल, फेयरल मतलब एग्जिस्ट विथ डिफिकल्टी, जैसे कि मैंने पोएम में पहले भी बोला है, फेयरल का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, अब यू नो बहुत ही मुश्किल से सामने होना, दिखाई देना, या फिर बहुत ही मुश्किल से अब एग्जिस्ट कर रहा है, यू नो निकल रहा है, मतलब अभी बस काइंड ऑफ ख़त्म ही हो चुका है वो। एंड प्लो बॉय, प्लो बॉय में देखते हैं, ए बॉय हु लीड्स द एनिमल्स दैट ड्रॉ अ प्लॉव, यहाँ पे प्लो बॉय जो होता है, प्लो बॉय का मीनिंग होता है वो पर्सन, वो लड़का जो कि एनिमल्स को लीड करता है। यू कैन सी जो प्लो बॉय होता है वो जो ज़मीन की जो गुड़ाई होती है वो करता है, ज़मीन की गुड़ाई में जब जानवरों पे हल, जानवरों के थ्रू जो हल चलवाना होता है, उसके पीछे एक लीड होता है, एक आदमी होता है जो कि उन जानवरों को लीड कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्लो बॉय। देन वूपिंग, अगेन आई एम सेइंग कि वूपिंग का मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग जॉय एंड एक्साइटमेंट विथ अ लाउड क्राई, किसी जोर जोर से आवाज़ करके अपनी जॉय और एक्साइटमेंट, अपनी खुशी और अपनी उत्सुकता को दिखाने को हम वूपिंग कहते हैं। वूपिंग मीन्स मेकिंग जोर जोर के साउंड, यू नो ड्यू टू जॉय और एक्साइटमेंट, खुशी से और एक्साइटमेंट से जब जोर जोर से हम आवाज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वूपिंग करना, वूप करना। देन प्रिवेलिंग इन अ जनरल कंडीशन, प्रिवेलिंग मतलब जैसा होता रहता है, जनरल कंडीशन में कोई अगर चीज़ है तो हम कहते हैं कि प्रिवेलिंग होना उस चीज़ का, ठीक है, किसी नॉर्मल कंडीशन में होना, क्लियर। देन हम देखते हैं कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में कि यहाँ पे मैच करने के लिए बोला गया है इन वर्ड्स को, इन एक्शन वर्ड्स को एक्चुअली, कि इनके डिस्क्राइबिंग के साथ, जैसे कि मैच द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एक्शंस विद द डूअर्स ऑफ द एक्शन, जैसे कि स्ट्रीम था, स्ट्रीम क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, स्ट्रीम जो नदी की धारा थी, पोएम के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, पोएम में जो स्ट्रीम था वो क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे फ्लो से मैच कर दिया। प्लो बॉय क्या कर रहा था, वूपिंग कर रहा था, तो वूपिंग। कैटल क्या कर रहा था, कैटल एज यू कैन सी ढूंढो, कैटल ग्रेज कर रहे थे, तो ग्रेजिंग। कॉक क्या कर रहा था, पोएम में भी देख सकते हैं आप पलट के, तो कॉक जो है वो क्रोइंग कर रहा था। क्लाउड्स क्या कर रहे थे, ऑब्वियस ही बात है, सेलिंग कर रहे थे। एंड बर्ड्स क्या कर रहे थे, दे वर ट्विटरिंग। एंड लेक क्या कर रहा था, लेक शाइन कर रहा था, इट मीन्स लेक वॉज ग्लिटरिंग। एंड ग्रीन फील्ड वॉज स्लीपिंग, जैसे कि पोएम में दिखाया गया था, कहाँ है, यस स्लीपिंग हियर,
तो ग्रीन फील्ड जो है वो स्लीपिंग के साथ मैच करेंगे। देन हम देखते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स में अगर हम जाए वेल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो विच पीपल आर वर्किंग, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करके बताएंगे कि द यंग एंड द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रांगेस्ट पीपल आर वर्किंग। क्लियर, विच पीपल आर वर्किंग, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, स्ट्रांगेस्ट, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट और स्ट्रांगेस्ट, तीनों ही लोग काम कर रहे थे। तो आप बोलेंगे कि द यंगेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रांगेस्ट पीपल वर वर्किंग। देन व्हाट डज दिस लाइन मीन, देर आर 40 फीडिंग लाइक वन। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जैसा कि पोएम के अंदर था कि देर आर 40 फीडिंग लाइक वन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 40 फीडिंग लाइक वन का मतलब यहाँ से ये है कि यहाँ पे न्यूमेरस है पर उनके एक्शंस जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं, और उस ब्यूटीनेस को दिखाने के लिए पोएट ने इस लाइन का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप भी डिस्क्राइब करके यही चीज़ बोलेंगे, व्हाट डज दिस लाइन मीन, देर आर 40 फीडिंग लाइक वन। तो आप बोलेंगे द लाइन देर आर 40 फीडिंग लाइक वन मीन्स that there are numerous sheep in the field but the poet is drawing it as a single feeding sheep because he is just trying to he is trying to draw the beauty of the nature in that form. क्लियर, देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट सीजन्स डज द पोएम डिस्क्राइब, कौन से सीजन को पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप बोलेंगे द पोएम डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, एज आई ऑलरेडी सेड पोएम के अंदर कि पोएम यहाँ पे स्प्रिंग सीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है आपके सामने। तो आप लिखेंगे द पोएम डिस्क्राइब्स स्प्रिंग सीजन। क्लियर, वेयर इज़ द प्लो बॉय, वॉट इज़ ही डूइंग। आप बोलेंगे द प्लो बॉय इज़ नियर द स्ट्रीम एंड ही इज़ वूपिंग विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट। क्लियर, एंड दैट्स इट, ही इज़ लीडिंग द कैटल ऑल्सो, ये भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको बोला है टू मेक सेंटेंस, और यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि ग्लिटर, ग्रेजिंग, ट्विटर, सेलिंग, फाउंटेन्स, आपकी जैसी मर्जी हो। एज आई ऑलवेज से कि आपकी जैसी मर्जी हो सेंटेंस बनाने की वैसा बना सकते हैं। मैं अपने मनपसंद का बताऊँ तो मैं बोलूँगी ग्लिटर से कि आई लाइक टू ग्लिटर माई ड्राॅइंग्स, मुझे अपने ड्राॅइंग्स पे ग्लिटर लगाना पसंद है। ग्रेजिंग, द शीप आर ग्रेजिंग, जो शीप है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं, चल रहे हैं। ट्विटर, द बर्ड्स आर ट्विटरिंग, ये बोल सकती हूँ, बट ट्विटर वर्ड डिफरेंट हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं बर्ड्स ट्विटर इन द मॉर्निंग, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। डोंट गो विथ माई सेंटेंसेस, मैं जो कह रही हूँ उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेंटेंसेस बनाइए, बट इट शुड बी राइट ओनली। फाउंटेन्स की बात करें तो देर इज़ अ ह्यूज फाउंटेन, अगर मैं कहीं जाती हूँ और मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा सा फाउंटेन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं बोलूँगी देर इज़ अ ह्यूज ब्यूटिफुल फाउंटेन। तो ये मेरा सेंटेंस है, ये सारे मेरे सेंटेंसेस आप अपने यूज़ करेंगे, क्लियर, नहीं तो मैं ये सोच लूँगी कि आप लोग मेरे कॉपी कर रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड, कम्प्लीट द टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का टेबल कम्प्लीट करने के लिए बोला गया है। ये है आपके क्यू वर्ड्स जो कि है फ्लोइंग या फिर ट्विटर, प्रिवेलिंग, डिफीटेड, हिल, ग्रेजिंग, यंगेस्ट, और ये राइमिंग वर्ड जो है ये पोएम में से लिए गए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे जिसने भी ये लिखा है उसने, जो बुक वाले हैं उन्होंने दिया है फ्लोइंग, फ्लोइंग जो है वो बुक का है, एंड देन फ्लोइंग के साथ आपको लेना है राइमिंग वर्ड जो कि पोएम के अंदर है। एज डेफिनेटली यू कैन सी फ्लोइंग, लेट मी शो यू, फ्लोइंग के साथ आप देख सकते हैं क्रोइंग लिखा हुआ है, राइट, तो फ्लोइंग का राइमिंग वर्ड निकल जाएगा क्रोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं देन, तो फ्लोइंग का पोएम के अंदर से क्रोइंग लिया है, पर आपने जो बुक ने खुद से क्या लिखा है, खुद से लिखा है ब्लोइंग। वैसे ही मैं बोलती हूँ ट्विटर का बुक के अंदर से निकलेगा ग्लिटर, एज यू कैन सी यहाँ पे ट्विटर है एंड देन ये रहा ग्लिटर, तो ये ग्लिटर निकल गया यहाँ से, मैं यहाँ पे ग्लिटर लिख दूंगी, बट देन यहाँ पे मुझे खुद से मैच करके कुछ लिखना है, तो मैं ट्विटर, ग्लिटर, और मैं लिखूँगी क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी चीटर, मैं चीटर लिख दूंगी, ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपना लिखना, ठीक है। प्रिवेलिंग का सेलिंग, बेलिंग,
डिफीटेड का रिट्रीटेड जो कि बुक के अंदर से होगा, अंदर आप ट्रीटेड भी लिख सकते हैं, आप चीटेड भी लिख सकते हैं, हिल का होगा, वेल हिल का पोएम के अंदर आपको दिया है इल, पर आप हिल का अपने खुद से जो बना सकते हैं आप कुछ भी बना सकते हैं, फिल ठीक है, चिल ये सब। ग्रेजिंग का आप पोएम के अंदर आपको दिया हुआ है, लेट मी सी, आई एम नॉट शोइंग यू बट आई एम सीइंग। सो ग्रेजिंग का आपका बुक के अंदर दिया हुआ है रेजिंग, और आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेजिंग ऐसा भी लिख सकते हैं। यंगेस्ट का यहाँ पे बुक के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट भी दिया है, ओल्डेस्ट भी दिया है, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी, यू नो क्या ऐड करूँगी, यंगेस्ट के लिए बुक में दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट, तो मैं बोलूँगी क्या बोलूँगी, डम्बेस्ट, मैं बोलूँगी डम्बेस्ट, सबसे बेवकूफ, डम्ब का भी डम्बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में एक और लाइन दिया हुआ है आपको, डू यू एंजॉय अ रेनी डे, क्या आप रेनी डे एंजॉय करते हैं, जैसा कि आजकल चल भी रहा है, वेल रेनी सीजन चल रहा है, मॉनसून का वेल टाइम है, तो आप क्या करेंगे और आपको क्यों पसंद है, ये भी लिखने के लिए बोला गया है, और अगर पसंद नहीं है किसी को तो वो भी लिखने के लिए बोला गया है। राइट 10 सेंटेंसेस ऑन अ रेनी डे, कोई भी ऐसा मत सोच लेना कि हाँ हम नहीं लिख देते हैं कि मुझे पसंद ही नहीं है जिससे हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपरली बताना है कि रेनी डे पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, ठीक है। और राइट 10 सेंटेंसेस ऑन अ रेनी डे, किसी एक रेनी डे पे 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं उस डे की एक्सपीरियंसेस के साथ, दैट इज इट। यही था आपके इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर, आई होप सब लोग मुझे करके सेंड जरूर करेंगे, और प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, अगर किसी को ये सभी चीज़ें रिटर्न में चाहिए तो। ऑलराइट, थैंक यू।